सबसे पहले हम चिंतन को परिभाषित करेंगे। चिंतन व्यक्ति के समक्ष उपस्थित समस्या से उत्पन्न होने वाली विचारात्मक स्वरूप की प्रतीकात्मक प्रक्रिया है, जिसमें समस्या तत्परता के निर्देशन में कुछ प्रयत्न और भूल होते हैं और अंत में समस्या का समाधान हो जाता है। इसी प्रकार डैशल महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि उच्च स्तरीय समस्या की आंतरिक कहानी ही चिंतन है और प्रतीकों की सहायता से समस्या का समाधान करना ही चिंतन है। कगन एंड हैवमैन ने 1972 में इसे परिभाषित करते हुए कहा कि चिंतन का सबसे अच्छा वर्णन यह है कि इसमें बिंबों, प्रतीकों, प्रत्ययों, नियमों तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों यानी मेडिएशनल यूनिट्स का मानसिक परिचालन अथवा हेर फेर जोड़ तोड़ किया जाता है। इस प्रकार जोसेफिक महोदय ने 1970 में इसको परिभाषित करते हुए कहा कि चिंतन की कार्यात्मक परिभाषा यह है कि इसके द्वारा अनुभव की गई सांसारिक घटनाओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच व्यवस्था स्थापित की जाती है। देखिए, चिंतन क्रिया को मनुष्य की सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण और सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का किसी न किसी रूप में अगर हम निर्धारक कहें तो यह गलत नहीं होगा। और इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि उद्दीपक के उपस्थित होने और उसके प्रति व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार के बीच एक मध्यवर्ती चर यानी इंटरवीनिंग वेरिएबल के रूप में अन्य मध्यवर्ती चरों को प्रभावित करके चिंतन व्यवहार को एक विशेष रूप देता है। चिंतन मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जटिल अप्रकट क्रिया है, यानी एक कोवर्ट एक्टिविटी है। और चिंतन अथवा सोचना शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में अनेक अर्थों में होता है। सामान्यतः अनेक अर्थों में होता है। जैसे चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंदर होती है, बाहरी विषयों एवं घटनाओं से संबंधित होती है और यह बाहरी विषय स्वयं भी उपस्थित नहीं रहते हैं। अर्थात चिंतन एक रिप्रेजेंटेशनल एक्टिविटी है, एक सादृश्य मूलक क्रिया है। चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन के मुख्य चार प्रकारों में हम बांट सकते हैं। प्रत्यात्मक चिंतन यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, दूसरा समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग और चौथा सर्जनात्मक चिंतन और क्रिएटिव थिंकिंग। पहले दो प्रकार यानी प्रत्यात्मक चिंतन और समस्या समाधान की चर्चा मैंने पहले वीडियो में की है। आज के वीडियो में हम तार्किक चिंतन और सर्जनात्मक चिंतन की चर्चा करेंगे। तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग यानी रीजनिंग। अगर हम परिभाषा पर ध्यान दें तो तर्कना एक वास्तविक चिंतन है जिसके द्वारा चिंतन क्रमबद्ध रूप से तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। सामान्य अर्थ में तर्कना एक प्रकार का चिंतन है जिसकी प्रक्रिया तार्किक तथा संगत होती है और विशिष्ट अर्थ में तर्कना समस्या समाधान व्यवहार है जहां अच्छी तरह से निर्मित प्राक कल्पनाओं की क्रमबद्ध रूप से जांच की जाती है तथा तथा समाधान तार्किक ढंग से निगमित किया जाता है यानी डिडक्ट किया जाता है। अर्थात हम इन परिभाषाओं पर ध्यान दें तो मुख्यतः तीन बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला ये कि तर्कना चिंतन की एक प्रक्रिया है, दूसरा तर्कना में क्रमबद्धता यानी सिस्टमेटाइजेशन पाई जाती है और तीसरा तर्कना में व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग यानी तर्कना के प्रकार, यह मुख्यतः चार प्रकारों में हम तर्कना को बांट सकते हैं। पहला है निगमनात्मक तर्कना, दूसरा आगमनात्मक तर्कना, तीसरा आलोचनात्मक तर्कना और चौथा सादृश्यवाची तर्कना। डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, इवेल्युएटिव रीजनिंग एंड एनालॉजिकल रीजनिंग। अब एक एक कर हम इसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। देखिए, निगमनात्मक तर्कना यानी डिडक्टिव रीजनिंग
वैसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस ढंग की तर्कना मानव एवं पशु दोनों ही द्वारा की जाती है, और अर्थात इसमें पहले से ज्ञात रूल्स और फैक्ट्स के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। दूसरा है आगमनात्मक तर्कना, यानी इंडक्टिव रीजनिंग। आगमनात्मक तर्कना वैसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से जोड़कर नहीं जोड़ता है, अर्थात इन तथ्यों का सर्जन नहीं करता है, तो समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। आलोचनात्मक तर्कना यानी इवैल्यूएटिव रीजनिंग में, इस प्रकार की तर्कना में व्यक्ति किसी वस्तु घटना के बारे में सोचते समय या किसी समस्या का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण एवं दोष की परख कर लेता है। वह प्रत्येक विचार की प्रभावशीलता को ठीक ढंग से जांच करके ही उस अंतिम निर्णय लेता है। चौथा है सादृश्यवाची तर्कना यानी एनालॉजिकल रीजनिंग। इस तरह की तर्कना में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतन किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार हम इन चारों प्रकारों की चर्चा कर चुके हैं, और हम अब चिंतन का सर्जनात्मक चिंतन की चर्चा करेंगे। सर्जनात्मक चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्जनात्मकता को ऐसा कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो नवीन यानी मौलिक और अप्रत्याशित हो, तथा उचित यानी कि लाभदायक तथा कार्य अवरुद्धता को दूर करने लायक दोनों ही होते हैं। अर्थात नवीनता तथा उचितता या अर्थात मौलिकता, अप्रत्याशितता, लाभदायक तथा कार्य अवरुद्धता को दूर करने वाले जो गुण है वह सर्जनात्मक चिंतन में पाए जाते हैं। देखिए, गिलफोर्ड 1967 ने सर्जनात्मक चिंतन के दो प्रकार बताए हैं। इन्होंने दो भागों में इन्हें बांटा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी चिंतन और अपसरण चिंतन कहते हैं। देखिए, अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति एक रूढ़िवादी तरीका यानी कन्वेंशनल पाथ अपनाकर, अर्थात संबंधित दी गई सूचनाओं के आधार पर उसका समाधान करता है। ऐसी चिंतन द्वारा की गई समस्या के समाधान का प्रायः एक निश्चित उत्तर होता है। स्पष्ट हुआ कि अभिसारी चिंतन यानी तार्किक लॉजिकल तथा तथ्यात्मक फैक्चुअल और रूढ़िवादी यानी कन्वेंशनल होता है। वहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। जब वह भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है तो स्वभावतः वह समस्या के कई संभावित उत्तरों पर सोचता है और अपनी ओर से कुछ नए एवं मूल चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है। इस तरह से चिंतन की एक और विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति आसानी से एक पूर्व सुनिश्चित कदमों के अनुसार चिंतन नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ नया एवं मूल चिंतन करना होता है और उसी नया एवं मूल चिंतन में समस्या का समाधान छुपा होता है। अर्थात मनोवैज्ञानिकों ने डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही क्रिएटिव थिंकिंग के समान यानी तुल्य माना है।